jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। किसी बच्चे को इस तरह अपनी प्यास बुझाते हुए देखना निश्चित ही दर्दनाक है, लेकिन साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना में यह पूरे देश के लिए एक शर्मनाक मामला बन गया। यहाँ की पोसादस सिटी में भीख मांगने वाली एक बच्ची प्यास से बेहाल होकर इस तरह पानी पीने पर मजबूर हो गई। जब फोटोग्राफर ने इस बच्ची को देखा तो उसकी फोटो सिर्फ इसलिए क्लिक की ताकि वे समाज और सरकार की आंखें खोल सकें। यह बच्ची पोसादस में रहने वाली गुर्रानी कम्युनिटी की है, जो मजदूर वर्ग से आती है। गरीबी में घिरे कई परिवार भीख मांगकर भी अपना गुजर बसर करते हैं। यह बच्ची भी इसी एक परिवार का हिस्सा थी, जो अपने छोटे भाई के साथ सड़कों पर भीख मांगती है। इस समय अर्जेंटीना में काफी गर्मी पड़ रही है, इसी के चलते प्यास से बेहाल बच्ची सड़क पर गिरा पानी पीने पर मजबूर हो गई। इसी दौरान यहाँ से एक लोकल जर्नलिस्ट मिगु रॉयस गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र इस बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने इसकी फोटो क्लिक कर ली। मिगु ने बताया कि उन्होंने बच्ची की फोटो सिर्फ समाज व सरकार को दिखाने के लिए खींची। मिगु ने तुरंत बच्ची की ओर दौड़े और उसके लिए कार भरकर पानी की बॉटल्स, आइसक्रीम और खाने पीने की अन्य चीजें ले आए। इसके बाद मिगु ने सोशल मीडिया में ये फोटो शेयर करते हुए लोगों से सवाल किया, देश क्या हम और हमारा ये समाज इस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकता? क्या एक मासूम बच्ची को इस तरह पानी पीते देखा जा सकता है? इस एक घटना ने हमारे पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। राइट साइन गले कुरो ताताई उन मारा। मिगु की फोटो की चारों ओर चर्चा हो रही है। कई लोगों ने गुर्रानी कम्युनिटी के लोगों की आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया है। गवर्नमेंट से ही भी इसके लिए डिमांड की जा रही है।